है। एक और लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट जो बताए थे जिसका नाम था मेलाटोनिन, लेकिन ये सुसाइडल एंटीऑक्सीडेंट था, टर्मिनल एंटीऑक्सीडेंट था, ये एक रिएक्शन के बाद अवेलेबल नहीं है, बट दिस वन विटामिन ई ये क्या होता है, पर्टिकुलरली जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइज होता है, दैट इज व्हाट अल्फा टोकोफेरॉल आउट ऑफ दीज एट रिलेटेड टोकोफेरॉल्स। सो अल्फा टोकोफेरॉल विल बी व्हेन इट विल इंटरैक्ट विथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, देन it will get oxidized, alpha tocopherol will get oxidized into alpha tocopheroxyl radical, tocopheroxyl ferroxyl radical, और ये क्या है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इसका अल्फा टोकोफेरॉल का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इसमें तब्दील हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को इसने रिड्यूस कर दिया, तो उसको रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, नॉट डेंजरस फॉर अस, ओके फिर ये ऑक्सीडाइज चूंकि ये नष्ट नहीं होता है विटामिन ए, ये फिर जो है इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म का रिडक्शन होगा इनटू ये साइकिल हो जाएगा अल्फा टोकोफेरॉल में, लेकिन इसको बीच में चूंकि ये ऑक्सीडाइज है तो ये रिड्यूस होगा, तो एक इसको फिर इसको जरूरत पड़ेगी रिड्यूसिंग एजेंट की, जो रिड्यूसिंग एजेंट फिर खुद ऑक्सीडाइज होके अल्फा टोकोफेरॉक्सिल रेडिकल को रिड्यूस करके अल्फा टोकोफेरॉल बना देगा। तो कुछ है एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फिर इसको भी रिड्यूस करते हैं फर्दर, और इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे विटामिन सी खुद ही हो गया, विटामिन सी रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया भी रिड्यूस था, फॉर्म था विटामिन सी रिड्यूस्ड फॉर्म, इंटरैक्ट किया विटामिन ई ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ, और फिर विटामिन सी ऑक्सीडाइज फॉर्म एज ए प्रोडक्ट प्लस विटामिन ई रिड्यूस्ड फॉर्म जनरेट हो गया, समझ रहे बात को, इस तरह से साइकिल चल रहा है आप देख रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में आप लिख सकते हैं ये सब, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, यस सर। और ये विटामिन सी को फिर ऑक्सीडाइज स्टेट से रिड्यूस्ड स्टेट में कौन बदलता है, इस ग्लूटाथायोन, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड स्टेट, ये ऑक्सीडाइज स्टेट से रिड्यूस्ड फॉर्म में गया ग्लूटाथायोन, ये ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी के साथ ग्लूटाथायोन का रिड्यूस्ड फॉर्म इंटरैक्ट करेगा, ये तीर यहां रिड्यूस्ड फॉर्म विल इंटरैक्ट विद विटामिन सी को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज को फिर रिस्टोर करेगा विटामिन सी के रिड्यूस फॉर्म, यही यूजफुल है।
रिड्यूस कर देगा ग्लूटाथान, आपका इंटरनल एंटी नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, फिर ये ऑक्सीडाइज्ड, समझे बात को? इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल चल रहा है। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट जो है को दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट हेल्प कर रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिएक्शन एजेंट उसके साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज फॉर्म को फिर रिड्यूस फॉर्म में तब्दील कर दे रहा है, फिर उसको फिर कोई दूसरा तब्दील कर दे रहा है, इस तरह से आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। सो विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विटामिन ई इज लिपिड सॉल्युबल, इट कैन गो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर इट विल in the plasma membrane, such unsaturated fatty acids, their lipid peroxidation is occurring, lipid peroxidation chain reaction has started in the influence of free radical, and from there lipid peroxide radicals are getting generated to neutralize them. Vitamin E is helpful. उसको vitamin C neutralize नहीं कर पाएगा, glutathione neutralize नहीं कर पाएगा, lipid में जो लिपिड मेम्ब्रेन में जो लिपिड रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, तो उसको लिपिड सॉल्युबल किया टैकल, उसको फिर विटामिन सी हैंडल कर लिया, फिर विटामिन सी को ग्लूटाथायोन हैंडल कर लिया, लाइक दिस इट हैपेंस। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट आपको बता दिए तो आप, वन इज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, और इतना इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब आपका ब्लड माइनस सेल्स माइनस प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, सारे प्रोटीन को माइनस कर दो, सेल माइनस कर दो ब्लड में, सो दैट विल बी इक्वल टू प्लाज्मा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया प्लाज्मा में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये यूरिक एसिड ही ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है, ऑलमोस्ट 50% रफली this uric acid accounts for roughly 50%, half of the antioxidant ability in plasma, of plasma. Okay. फिर और यही काम ascorbic acid भी करता है, vitamin C भी करता है, 50% ये हो गया, रिमेनिंग 50% समझ लो विटामिन सी कर रहा है। तो इस तरह से ये सारे हो गए आपके नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, द लास्ट वन वी हैव सीन इज यूरिक एसिड। अब हमारे बॉडी में हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स, एक तो हम बाहर से लिए एक्सटर्नल ले सकते हैं और इंटरनल, अभी जितना पढ़ाया आपको ये सब क्या थे एक्सेप्ट आपके विटामिन ई, आपका विटामिन सी। ओके, इन दी ये नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन ई,
विटामिन सी, बीटा कैरोटीन भी है, उसको छोड़ के आपके ये सब जो है क्या है, दीज आर इंटरनल, इंटरनल दे आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ओनली, इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे हो गए आपके इंटरनल, और नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन डी, सॉरी विटामिन ई, सी और बीटा कैरोटीन, विटामिन ए का जिससे बनता है उसको छोड़ के बाकी सब इंटरनल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है विटामिन ये तीन। इसके अलावा भी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी फिर पास्ट में कुछ साल पहले फैशन शुरू हुआ था सिंथेटिक एंड नेचुरल फूड एंटीऑक्सीडेंट्स भी, सिंथेटिक फूड एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में आए थे, बट लेटर ऑन दे प्रूव टू बी एज कार्सिनोजन, तो उसको फिर डिसकंटिन्यू किया गया, कई सारे देशों में बैन किया गया, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स वो यूज हो रहे थे, अभी भी फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, इन मेडिसिन इंडस्ट्री, ठीक है। तो बहुत तरह के थे जो कि बाद में कार्सिनोजन, जैसे BHT, BHA, ये सब सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स थे, ये जो कि काफी यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री में, ये एंटीऑक्सीडेंट्स कॉस्मेटिक्स में भी, थेरेप्यूटिक इंडस्ट्री में भी, लेकिन BHT और BHA फुल फॉर्म है इनका, BHA फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, इसका, और इसका है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको याद रखने की उतना जरूरत नहीं है आपको, ये दो प्रोमिनेंट एग्जांपल है सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के, और ये कंपाउंड बहुत ही वाइडली यूज हुए हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इन द फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक इंडस्ट्री। हाउएवर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BHT एंड BHA सच एज दे आर हाईली वोलेटाइल, दे आर हाईली इनस्टेबल, और इनके इनसे रिलेटेड लॉज भी स्ट्रिक्ट हैं इनके यूज को लेकर के, सो दे बिकेम लेस पॉपुलर लेटर ऑन बिकॉज दे वर प्रूव टू बी कैंसर काउजिंग। एंटीऑक्सीडेंट तो क्या फायदा है, दीज आर कार्सिनोजेंस, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत ही लाभप्रद है। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ, फिर बाद में मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपना अटेंशन चेंज कर दिया, नाउ ऑल ऑफ देम दीज गाइज आर नाउ दे हैव मूव्ड देयर अटेंशन फ्रॉम द सिंथेटिक टू द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग रिस्क फैक्टर जो है ह्यूमन ऑर्गन, हम लोगों को बहुत सारा डेडली डिजीजेस है, और ग्लोबल ट्रेंड भी इनका बढ़ रहा है, तो एक ट्रेंड अभी चल रहा है कि यूज ऑफ नेचुरल सब्सटेंस हम लोग करें, नेचुरल सब्सटेंस यूज करें जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में है दीज नेचुरल सब्सटेंसेस, एंड दे मे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड दिस इज दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट आर गेटिंग डिस्कवर्ड डे बाय डे, न्यू एंटीऑक्सीडेंट्स, द नॉलेज ऑफ न्यू ऑक्सीडेंट्स जो है वो एड हो रहे हैं इन द लोगों में। And we Indians have a very rich heritage of utilizing these medicinal plants, herbs, spices, condiments, and these contain antioxidants, which are derived from plants, which are present in plant. Are our students samajh mein? Yes, sir.
एक तरह से सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट का अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की जा रही है जो कि लो कॉस्ट हो, तो प्लांट से हम हार्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को एक्सप्लोर करें ताकि हमको नए नए ऑक्सीडेंट्स का पता चल जाए, क्योंकि प्लांट का जो बायोडाइवर्सिटी है वो इनफाइनाइट है। बहुत तरह के प्लांट में मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं एंड दे हैव मेनी पोटेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम जिसकी स्टडी भी नहीं है। तो हम लोग जो है वो डाइटरी इंटेक करें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का, मेडिसिनल प्लांट को यूज करें ताकि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज से रिलेटेड डिजीज है वो कम से कम हो, मिनिमाइज हो। हम लोग नेचुरल ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करें फूड में, कॉस्मेटिक में, थेरेप्यूटिक इंडस्ट्री में, ये सब जगह। ओके, लेकिन क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स जो हैं दे आर नेचुरली अकरिंग इन प्लांट सोर्सेस एंड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज फ्री रेडिकल और एक्टिव ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। मेनी न्यू वंस वी आर knowing day by day. The knowledge is adding up in the domain. So attempts have been made to study antioxidant potential for a wide variety of vegetables like potato, spinach, okay, tomatoes, legumes. सब पर रिसर्च हुए कि इसमें कैसे कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं नेचुरल, और सेवरल रिपोर्ट्स जो है वो शो करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल ऑफ फ्रूट्स एंड दीज वेजिटेबल्स आर इमेंस। अगर वो उनका प्रोडक्शन ऑर्गेनिक वे में हुआ है तो बाय यूजिंग बाय नॉट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स देन देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ह्यूज। So a strong antioxidants activity jo hai, it is have also been found in fruits like berries, cherries, citrus fruits, olives, green or black tea. Ye bhi black tea leaves jo hai, isme bhi kafi studies hui hai aur they have the antioxidant properties. Theek hai, kyunki isme क्या होते हैं फिनोलिक कंपाउंड होते हैं एंड दीज फिनोलिक कंपाउंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल है और वो फिनोलिक कंपाउंड है, वो क्या करेगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिड्यूस करेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? फिर क्या बोल रहे हो, कोई सवाल है? हेलो, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगा, बस ये टॉपिक एंड होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है कि इंडियन हमारे देश में हम लोग चूंकि हम लोग बहुत पुराने जमाने से इस तरह के प्लांट्स को यूज करते आए हैं, सो वी आर लकी, वी हैव रिच हेरिटेज ऑफ इट। So what we are using आप लोग का नाम जानते हो इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स को, बहुत सारे हैं, सब एलोवेरा, ओनियन भी, तुलसी, टर्मेरिक, पेपर, काली मिर्च, इलायची, सिनेमन, टर्मेरिक, आजादी रस्ता इंडिका, नीम, करेला, इस सब में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में, अपने अपने प्रकार के, अलग अलग तरह के उनके उस, तो कि करेला एक मान लो अपना स्पीसीज है, उसमें अपना उस स्पीसीज का, उस प्लांट स्पीसीज का अपना एंटीऑक्सीडेंट है,
and that is also useful for us. तुलसी में अपना उसका एंटीऑक्सीडेंट है, different variety का, and that also work for us. Onion में है, समझे बात को? अर्जुन का छाल, इसमें भी होता है एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, इसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी, यही एलोवेरा हो गया, यहां तक या आपका जिंजर में आदि, अदरक, गार्लिक, नेम इट, हींग, फेनुग्रीक, जो भी मसाला आपके किचन में दिख रहा है सबके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है. तो आप क्या करोगे, और एंटीऑक्सीडेंट वोलेटाइल होता है, तो मसाला पिसा करके पाउडर बना के डब्बा में खुला में जो बेच रहा है रख रहा है, उस एंटीऑक्सीडेंट से मरहूम हो जाएगा इसके फायदे से. लेकिन जो सिला और पिसा रहा है जिसका डेली, वो ताजा पिसा रहा है उस समय, तो हल्दी का गांठ जैसे है, ये अभी टूट के पेस्ट बना, इसका पाउडर बना, तो अब इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसका इवेपोरेशन शुरू होगा अब से. तो जब तक खाना में जाएगा, पेट में जाएगा, जब तक ये कुक होगा, कुछ ना कुछ मात्रा आपके डाइट में मिल चला जाएगा बॉडी में. लेकिन अगर इसका पाउडर बना करके, एयर टाइट कंटेनर नहीं है, डब्बा नहीं है, पाउडर है, तो इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन देम, सरफेस एरिया बढ़ गया, पाउडरी हो गया, और एयर टाइट अगर नहीं है, अगर एयर टाइट कर दो तो भी ये इवेपोरेट करेगा, और इसका सेल्फ लाइफ जब तक है, ये धीरे धीरे इसका ये वैल्यू जो है, मेडिसिनल वैल्यू, थेरेप्यूटिक वैल्यू, आपके लिए बेनिफिशियल, ये कम होते जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बेस्ट तरीका क्या है, ताजा पीस लेना, उसी समय कूटे, पीसे, बनाए, खा गए. आया समझ में स्टूडेंट्स? यस सर. तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम लोग के बहुत सारे फूड सब्सटेंस जो है, वो हमारा एक टर्म है जिसको बोलते हैं फंक्शनल फूड. और फंक्शनल फूड का उल्टा है जंक फूड. तो हमारा फूड जो है फंक्शनल होना चाहिए. ठीक है, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा, सभ्यता और बढ़ी, जो कंट्री डेवलप हुए, इन सब देशों में ये रिसर्च करके सब लोगों ने देखा कि अगर हम शुरू से ही प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ ध्यान दें, अप्रोच लें, प्रिवेंटिव अप्रोच लेके चलें अपने हेल्थ के लिए, यानी यह नहीं कि जब बीमारी हुई तब हम उसका उपाय शुरू किए, हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखें, प्रिवेंटिव वे में रहें, परहेज से रहें, समझ लो, और समय टू समय रूटीन हम अपना बॉडी का प्रिवेंटिव बॉडी चेकअप भी करवाते रहें, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहें, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहें, लिपिड प्रोफाइल करा लिया, थायराइड प्रोफाइल करा लिया, और CBC करा लिया, इस तरह से साल में एक बार करा के देखते रहे, तो ही विल गेट टू नो द चेंजेस इन देयर बॉडी, ह्यूमन्स बॉडी. और वो प्रिवेंटिव तरीके से रह रहा है तो उसके सारे पैरामीटर रिपोर्ट सब ठीक रहेंगे ज्यादातर. और अगर कहीं चेंज आया भी, एबनॉर्मल साइड गया भी है, तो उसको शुरू में ही पता लग जाएगा, क्योंकि वो रूटीन में है. तो शुरू में पता लग गया तो कम ही उसको नुकसान होगा, और तुरंत ट्रीट भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा उसका. तो इसमें एक प्रिवेंटिव मेडिसिन में अब न्यूट्रिशन का बड़ा रोल है, क्रूशियल रोल है, क्योंकि ये इसी पर आधारित है कि खाने में हम क्या खाएं. और इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस. न्यूट्रिशन प्लेज ए मेजर रोल. सो क्योंकि हम सब लोग डाइट पर ही डिपेंडेंट हैं, और ये डाइट से रिलेटेड है. तो फंक्शनल फूड जो है वो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज कंसिडरिंग द फूड नॉट ओनली एसेंशियल और नेसेसरी फॉर लिविंग, बट ऑल्सो एज ए सोर्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. एंड दिस विल कंट्रीब्यूट टू द प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर सेवरल डिजीजेस.
and they will in turn enhance the quality of life, because they will enhance certain physiological functions in your body. So a food can be regarded as functional if it is satisfactorily demonstrated to affect beneficially one or more target functions in the body. Sirf adequate nutritional effects hi kafi nahi hai, uske beyond ja karke this food, functional food jo hai wo act karte hain, jo ki relevant way hai. और उससे यानी मेंटली साउंड कंडीशन आएगा, अच्छा खाना खाने से, अपना बैलेंस फूड लेने से, और जितना वैरायटी ऑफ फूड लिया इन द प्लेट, बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट लिए गए, इसीलिए कहा जाता है खूब सारा सलाद खाइए. अब देखिए सलाद का प्लेटर में क्या क्या है, एक लाल रंग का सलाद है कटा हुआ जो कि टमाटर है, ठीक, बीटा कैरोटीन है उसमें, कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, कैरोटीन है, और टमाटर के अंदर में जो ऑरेंज कलर का पार्ट है उसके पल्प में, दैट इज बीटा कैरोटीन. खीरा ले लिया ग्रीन कलर का, वो भी पिगमेंट है, वहां भी कैरोटीन है. ओनियन है व्हाइट कलर का, ओके. बीट रूट ले लिया रेड कलर का, वहां पर डिफरेंट कंपोनेंट है, ये पिगमेंट है. तो इस तरह सलाद में जितना ज्यादा वेराइटी होगा फ्लैट में, और सब में अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मूली हो गया एंटीऑक्सीडेंट्स, उसको वैरायटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, इसीलिए कहा जाता है सलाद खाए. क्या होगा, एजिंग प्रोसेस को, एजिंग तो होना ही है लेकिन उसका रेट जो है वो स्लो होगा, इसलिए फ्रेश दिखेगा बॉडी, त्वचा फ्रेश दिखेगी और रिंकल्स कम आएंगे. इसीलिए लोग इसको कॉन्सेप्ट को यूज करके आंख पर आलू लगा लेता है या खीरा लगा लेता है. देखे हो सर? यस सर. थोड़ा सा रह गया स्टूडेंट्स बस, क्योंकि अभी ये पोर्शन है इम्पोर्टेंट है फूड के बारे में, इसको भी आप जान ही लो. देखिए हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट जो बहुत बेनिफिशियल हैं, जो फूड प्लेटर में ऐड हो गए अगर, तो इट बिकम्स फंक्शनल फूड. जैसे हैविंग ब्रोकोली इज अ वेरी गुड ऑप्शन. ब्रोकोली, ओके, कैरेट्स, टोमेटोज, which are the components of functional food. Because इसमें बहुत high content है physiologically active compound का. Broccoli जानते हो, देखे हो? Yes sir. कुछ लोग इसको हरा गोभी भी बोलते हैं, ठीक है ना. कैरेट हो गया, इस सब में बहुत ही they are rich in antioxidants, ठीक है. तो क्या है इसमें, ब्रोकोली में सल्फोराफेन होता है कंपोनेंट, नाम है इसका सल्फोराफेन. ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी फाउंड इन प्लांट. कैरोट्स में क्या है, बीटा कैरोटीन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है. टोमेटोज में क्या है, वो जो रेड कलर जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन, दिस आल्सो इज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है. तो इसी तरह ग्रीन वेजिटेबल्स, तरह तरह के मसाले स्पाइसेस जो हैं आपके, ओके, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स है. मस्टर्ड, टर्मेरिक, और ये हम लोग काफी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं अपने खाने में, इंडियन क्यूजीन में.
सो हम लोग को और सदियों से परंपरा चल रहा है इसका, पूर्वज के से ही टाइम से, तो हम लोग ट्रेडिशनली ही एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा लेते हैं। और इस तरह से आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। तो देखिए अब एक बार कंक्लूड कर देते हैं इस पूरे टॉपिक को, यहाँ पर आपका ये यूनिट कवर खत्म हो जाएगा। हाँ हेलो, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ सर, टर्मरिक में करक्यूमिन पाया जाता है सर, बट मस्टर्ड में क्या पाया जाता है? मस्टर्ड में देखना पड़ेगा, करक्यूमिन होता है टर्मरिक में, खोज के बताना मस्टर्ड का एक्टिव कंपोनेंट क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल एंटीऑक्सीडेंट्स। रुको हम देख के बता रहे हैं, कितना नाम है ना, कितना वैरायटी, कितना याद है, सब में अपना अपना एक स्पेशल है। एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन मस्टर्ड, हाँ फ्लेवोनॉइड है। फ्लेवोनॉइड बहुत तरह के प्लांट में है, फ्लेवोनॉइड भी बहुत तरह का होता है, फ्लेवोनॉइड मसल्स। मस्टर्ड जो है वो कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं इसमें, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और ये फ्लेवोनॉइड्स जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली फ्लेवोनॉइड्स आर वेरी हेल्पफुल इन गिविंग यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज, इवन कैंसर। तो मस्टर्ड जो है सब के लिए लाभकारी है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। कुछ सवाल है आपका? तो देखिए सवाल नहीं, एक बार कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर कि आप पढ़े ही हैं, समझ ही गए अभी तक कि फ्री रेडिकल्स डैमेज जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू द इटियोलॉजी ऑफ मेनी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज कार्डियोवैस्कुलर, इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, कैटरैक्ट में भी, कैटरैक्ट भी काउज हो रहा है इसी से, कैटरैक्ट, कैंसर, ओके एटसेट्रा। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड टिश्यू डैमेज बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज रेडिकल्स, दे स्कैवेंज देम, ओके, और बाय प्रमोटिंग देयर डिकम्पोजिशन आल्सो दे डू इट। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिसेंटली रिपोर्टेड टू बी वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन हेल्थ, ओके। सो दस द सर्च फॉर इफेक्टिव नॉन टॉक्सिक नेचुरल कंपाउंड विथ एंटीऑक्सीडेटिव एक्टिविटी हैज बीन इंटेंसिफाइड इन रिसेंट ईयर्स। In addition to endogenous antioxidant defense system, consumption of dietary and plant-derived antioxidants appears to be a suitable alternative. Okay, dietary and other components of plants form a major source of antioxidants. Our traditional Indian diet, which constitutes spices, medicinal plants, are rich source of natural antioxidants, and higher intake of foods with functional attributes, including high level of antioxidants in antioxidants in the functional food, is one strategy that is gaining importance these days to enhance the quality of life, to enhance the lifespan, and
लाइफ को डिजीज फ्री ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करने के लिए पीपल स्टार्टेड टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स क्वाइट अर्ली इन देयर लाइफ। अब बुढ़ापे में एंटीऑक्सीडेंट खाएगा तो कहाँ से जवान हो जाएगा, उसको जवान से ही खाना पड़ेगा, तब तो वो बुढ़ापा उसका डिले होगा। ओके, या एज रिलेटेड जो चेंजेज एक्युमुलेट हो रहे हैं। ओके, समझ में आया? यस यस। सो न्यूअर अप्रोचेस यूटिलाइजिंग कोलैबोरेटरी रिसर्च एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन कॉम्बिनेशन विद एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल हेल्थ प्रिंसिपल्स, जो दादी माँ के नुस्खे हैं वो भी जोड़ के, और आजकल के रिसर्च से, कोलैबोरेटिव रिसर्च से जो हमको नया नया नॉलेज मिल रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको भी यूटिलाइज करके, ओके, तो हम लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ चूंकि हम लोग ट्रेडिशनल वे में जाएंगे, अगर प्लांट प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से ज़्यादा अपना फील्ड से ज़्यादा अपना फूड लेंगे, फार्म से लेंगे, प्लांट से लेंगे, फॉरेस्ट से लेंगे, तो क्या हो रहा होगा, हमारा हेल्थ इम्प्रूव करेगा। और हमारे पास उपाय भी नहीं, क्योंकि हम लोग गरीब देश हैं, तो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम लोग मैच नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्स है, दे प्रोड्यूस न्यूट्रासिटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस न्यूट्रास्यूटिकल्स, दे यूज इट वेरी एक्सटेंसिवली। तो क्या है, अमेरिका में वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, उनका फूड बिल कंट्री का फूड बिल से ज्यादा उनका पिल बिल होता है, या इसको कहें प्रिस्क्रिप्शन बिल। प्रिस्क्रिप्शन बिल, वो हेल्दी है क्या कहा जाएगा उनको? नहीं, कहेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वेस्टर्न कंट्री इज 85 ईयर्स, बट विद द सपोर्ट ऑफ देयर एडवांस मेडिकल सिस्टम दैट्स व्हाई दे हैव अचीव्ड इट। इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया उनका, 50 साल में आदमी का अगर हार्ट में ऑपरेशन हो जाए 50 की उम्र में, उसके बाद उसका लाइफ, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दवाई से, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से, उनका लाइफ, वो 75 साल में मरा, तो ये क्या हुआ, 25 साल तो बीमार रहा वो, भले ही उसका जो है सो ये हुआ, बाद में मरा, बूढ़ा होके मरा। ठीक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि उनका फूड बिल जो है जितना वो खाने पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो दवाइयों पर खर्च करते हैं। दवाइयों का जो उनका मंथली खर्च है एवरेज अमेरिकन का, वो खाने से ज्यादा है, एंड दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम देन। ओके, तो हम लोग उनको मैच नहीं कर सकते। और न्यूट्रासिटिकल्स हो गया, आप वो डायरेक्ट लेंगे, जैसे ये आपका जो हाई प्रोटीन डाइट है, सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स है, काफी कॉस्टली होते हैं, गरीब लोग कैसे खाएगा वो? तो गरीब लोग के मतलब जिनके पास कम पैसा है वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो खेत में अपना सब्जी उगाएगा, अपना मूली उगा लेगा, टमाटर उगा लेगा, चेरी बेरी उगा लेगा, साइट्रस फ्रूट खा लेगा, जंगल से, खेत से अपना प्राप्त करेगा, नेचुरल सोर्सेस से फार्मिंग करेगा, किचन गार्डनिंग करेगा। ओके, उपाय सबका है, लेकिन मेहनत खोज लगेगी, अगर करने के लिए तैयार है तो उसको हेल्थ एज ए गिफ्ट, अच्छा हेल्थ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस सर, हियर योर दिस।